दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको बॉलीवुड सितारों के बारे में ऐसी कुछ बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो बॉलीवुड के हर अभिनेता अभिनेत्री की निजी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात भी बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन कुछ छोटी बातें ऐसी भी होती हैं जो शायद ही लाइमलाइट का हिस्सा बनती हैं। इस पोस्ट में हम आपके चहेते बॉलीवुड सितारों से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताते हैं सलमान खान के बारे में। सलमान खान को नहाने के साबुन इकट्ठा करने का शौक है। उनके बाथरूम में बहुत सारे अलग अलग तरह के साबुनों का संग्रह है। उनके सबसे पसंदीदा साबुन कुदरती फलों और सब्जियों से बने साबुन है। दूसरा फैक्ट है, सलमान खान ने अब तक किसी अभिनेत्री को किसी भी फिल्म में लिप किस नहीं किया है। अब आते हैं शाहरुख खान पर। शाहरुख खान को मुंह से आवाज करके खाना अच्छा नहीं लगता। शाहरुख खान को आइसक्रीम खाना भी अच्छा नहीं लगता। शाहरुख खान को दो बार एयरपोर्ट पर सिर्फ इस वजह से पकड़ा जा चुका है क्योंकि उनके नाम के पीछे खान लगता है। शाहरुख खान अपने माता पिता की कब्र पर साल में 4-5 बार जाते हैं। अब बात करते हैं आमिर खान के बारे में। आमिर खान ने एक बार अपने सर से पूरे बाल कटवा लिए थे क्योंकि एक लड़की ने उनके प्यार को रिजेक्ट कर दिया था। आमिर खान साल में सिर्फ एक ही फिल्म करते हैं। आमिर खान कई अभिनेत्रियों की हाथ की हथेली पर थूक चुके हैं। कहा जाता है कि वो ऐसा उनकी हस्तरेखा पढ़ने के नाम पर शरारतवश ऐसा करते हैं। अब बात करते हैं रणबीर कपूर के बारे में। रणबीर कपूर अब भी अपनी मां से हर हफ्ते 1500 रुपए जेब खर्च के ले लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रणबीर कपूर को रॉक स्टार फिल्म के लिए गिटार सीखना पड़ा था। अब आते हैं ऋतिक रोशन पर। ऋतिक रोशन जब कभी घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपने साथ कैमरा ले जाना कभी नहीं भूलते। वो ऐसा बचपन से करते आ रहे हैं। ऋतिक रोशन को फोटो लेना और अपने द्वारा ली गई फोटो इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। उनके पास तस्वीरों का बहुत बड़ा संग्रह है। ऋतिक रोशन के दाहिने हाथ में 2 अंगूठे हैं। ऋतिक रोशन को बचपन से बोलते समय हकलाने की आदत है। अब बात करते हैं ही मैन के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल धर्मेंद्र जी के बारे में। शोले फिल्म की शूटिंग के वक्त धर्मेंद्र ने कथित तौर पर लाइट मैन को रिश्वत दे रखी थी क्योंकि वो हेमा मालिनी के साथ बार बार रोमांटिक दृश्य फिल्माना चाहते थे। लाइट मैन बार बार लाइट खराब होने का बहाना लगा रहा था जिससे सीन लंबा खिंच रहा था। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लेने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था क्योंकि वो हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। अब बात करते हैं सबके फेवरेट राज कपूर के बारे में। राज कपूर बहुत अंधविश्वासी थे। उन्होंने अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने से पहले शराब पीना, मांसाहारी भोजन करना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी। अमिताभ बच्चन, फिल्मों के बारे में बात की जाए और अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अमिताभ बच्चन हमेशा से इस समय के पाबंद रहे हैं। वो फिल्म की शूटिंग के सेट पर चौकीदार और गेट कीपर से भी पहले पहुंच जाते हैं जिससे उन्हें गेट भी खुद खोलना पड़ता है। अमिताभ बच्चन ने अभिनेता बनने से पहले माल भाड़ा दलाल का काम किया। ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या के पालतू कुत्ते का नाम गुल्लू है। ऐश्वर्या का सबसे पहला विज्ञापन कैमलिन पेंसिल का था जब वो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन को सांपों से प्यार है, उन्होंने अजगर पाल रखा है। जी हाँ, बिल्कुल चौंके मत ही बात सुनकर, उन्होंने अजगर पाल रखा है। सुष्मिता सेन ने 2 बच्चों को गोद ले रखा है। एक बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में उन्होंने अदालत जाना पड़ा था। अब बात करते हैं हमारे लास्ट मीना कुमारी जी के बारे में। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी। जी हाँ, ये बात कभी किसी ने नोटिस नहीं की, लेकिन उनके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी। वो हमेशा अपने दाहिने हाथ को छिपाने की कोशिश करती थी। आप उनके एक्ट में भी ऐसा देख सकते हैं। थैंक यू।